हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड में लॉकडाउन की पालना में प्रशासन एक्टिव। सोजत रोड कस्बे में सोजत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी के निर्देशन में सोजत नायब तहसीलदार भागीरथ चौधरी पहुंचे और सोजत रोड कस्बे का जायजा लिया। मुख्य बाजार में स्वयं पैदल चलकर भागीरथ चौधरी ने जिन दुकानदारों के मुंह पर मास्क नहीं पहने हुए थे उनके चालान काटे गए, तो वहीं राह चल रहे लोगों के भी मुंह पर मास्क नहीं होने पर उनके चालान भी काटे गए व उनको हिदायत दी गई कि मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य है। इस दौरान चौधरी ने दुकानदारों को मुंह पर मास्क पहना हुआ रहने के लिए व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने में दुकान पर आने वाले ग्राहक को भी मास्क पहना हो तो ही कोई सामान दे। साथ ही दुकान के आगे सोशल डिस्टेंस के गोल घेरे बनाने के लिए सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि लॉकडाउन 3 की पालना के लिए राजस्थान सरकार महामारी अध्यक्ष 2020 की धारा 11 के तहत उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी सोजत के निर्देशानुसार सोजत रोड कस्बे में बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान विक्र करने पर 500 रुपए का जुर्माना दुकानदारों पर किया जाएगा। लॉकडाउन 3 की पालना के लिए राजस्थान सरकार ने महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 11 के तहत आज श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय सोजत के निर्देशानुसार सोजत रोड कस्बे में बिना मास्क के पहने व्यक्तियों को सामान विक्र करने पर 500 रुपये जुर्माना दुकानदारों पर किया गया, और जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर दुकानों पर बिना मास्क के घूमते हुए पाए गए उन पर 200 रुपये का जुर्माना किया गया, और जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे थे उन पर 100 रुपये का जुर्माना किया गया, और सबको इसी के लिए पाबंद किया गया कि आप मास्क पहने, बिना मास्क पहने घरों के बाहर ना निकले। सभी दुकानदार व्यवसायों को भी पाबंद किया कि आप लॉकडाउन 3 के जो नए नियम आए हैं उनमें सरकार का सहयोग करें और बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को सामान का विक्रय न करें और खुद भी अनिवार्य रूप से मास्क पहने। जो सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूमते पाए गए उनके ऊपर 200 रुपए का जुर्माना किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने पर 100 रुपए का जुर्माना किया गया एवं कस्बे के सभी दुकानदारों को पाबंद किया गया व हिदायत दी गई। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार व प्रशासन का सहयोग करने के लिए आग्रह किया। सोजत रोड से जागरूक टीवी के लिए बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।